सीरियसली हिडन जैम है, हिडन जैम है, किसी को नहीं पता इस मंदिर के बारे में, बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपको मरे आदमी जो पहले होते थे ना कुछ टाइम पहले कुछ मान्यता ऐसी थी, उनको जो है जीवित होते थे कुछ पर ना उधर सामने। हाँ जी, इस पूरे गांव का नाम मडरेश्वर महादेव के नाम पे। अच्छा, मडरेश्वर महादेव। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना प्राचीन मंदिर है, ये अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मजा आ गया देख के। ये देखिए हेलो नमस्ते सत श्री अकाल हर हर महादेव। एंड दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड एंड बियॉन्ड में फिर से एक बारी। बहुत समय हो चुका है आप लोगों से मिले हुए, एंड हम आ चुके हैं आपके लिए अपनी एक नई उत्तराखंड सीरीज लेके आप लोगों के पास। तो इस बार उत्तराखंड में हम आ चुके हैं यमुनोत्री धाम, और उसके बाद हम जाएंगे गंगोत्री धाम। बट यमुनोत्री धाम जाने से पहले मैं आपको एक हिडन जेम दिखाने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं लाखा मंडल विलेज। एंड लाखा मंडल विलेज के अंदर है लाखा मंडल टेम्पल, जहाँ पे बोला जाता है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास में घूम रहे थे देवभूमि पर, तो उन्होंने यहाँ पे आके लाखा मंडल गाँव में आके 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। जी हाँ, 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। एंड बोला जाता है कि इस गांव में अगर आज भी खुदाई की जाती है तो वो शिवलिंग आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देखिए मेरे चारों तरफ, ये है वो मंदिर का कैंपस, ये है उस मंदिर की भूमि, एंड आपके सामने ये प्राचीन शिलाएं आपको दिख रही होंगी। देखिए छोटे छोटे शिवलिंग है, तो बोला जाता है कि इसी तरह के शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब आप खुदाई करते हैं। वो पीछे है मंदिर, बस कुछ ही क्षण में आपको मैं वो मंदिर दिखाऊंगा। एंड उसके बाद हम जाएंगे पांडव गुफा, जिसकी बहुत मान्यता है। बोला जाता है कि पांडव उस गुफा से गुजरे थे, तो वो गुफा देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अ ट्रू हिडन जेम ऑफ उत्तराखंड। आप जब यमुनोत्री आ रहे हैं, तो यमुनोत्री यहाँ से आपको 70 किलोमीटर्स पड़ता है, यमुनोत्री के रास्ते से आपको सिर्फ 5 किलोमीटर का एक छोटा सा डेविएशन लेना है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वीडियो में बने रहें, एंड महादेव के अगर भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव बोलते जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। एंड इस जगह पे एक प्राचीन शिवलिंग है, उस शिवलिंग की खासियत ये है कि जब उस पर जल डालो तो आपको अपनी परछाई दिखती है उसके अंदर। एंड उसमें आपको आगे मैं पंडित जी से बात करवाऊंगा, पंडित जी आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे कैसे वो शिवलिंग मिला, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। तो चलिए चलते हैं सफ़र में आगे, एंड वो उधर सामने है मंदिर, दिखाता हूँ इस प्राचीन मंदिर के नज़ारे आपको। चलिए चलते हैं आगे। तो जब आप रास्ते पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो लाखा मंडल का गांव है लोकल, उसके बीच में से जाना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कैसे कितना सुंदर ये गढ़वाल का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे पीछे बहुत ही सुंदर है। आई एम नॉट श्योर कि आपको लाइट की वजह से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट अब देखिए, अब आपको साफ दिख रहा होगा। ये देखिए कैसे यहाँ की छतें हैं, ओल्ड गढ़वाल का आर्किटेक्चर का घर है। और मुझे याद है कि पापा बताते भी थे कि जब वो छोटे थे तो उनके टाइम पे ऐसे ही घर हुआ करते थे गढ़वाल के गाँव में। ये देखिए मंदिर बीचों बीच बसा हुआ है इस गाँव के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन पे है। एंड जब आप यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं तो यमुनोत्री से लेफ्ट साइड में एक रास्ता कटता है, अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वहाँ से ये मंदिर 5 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आगे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या इसकी खासियत है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सीढ़ियाँ देखिए पत्थरों की बनी हुई है, मंदिर बहुत ही प्राचीन लग रहा है, मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं, गांव के बच्चे सर्दी में धूप का मज़ा लेते हुए। एंड ये देखिए मेरे पीछे इतना सारा सुंदर लग रहा है लाखा मंडल है टेम्पल। दोस्तों लाखा मंडल में स्थित भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में नागर आर्किटेक्चर में बनाया गया था। यहाँ पे कुछ शिलाएं तो 5वीं से 8वीं शताब्दी जितनी पुरानी है, और इस मंदिर के निरीक्षण के दौरान पता चला कि यहाँ पे कई और भी मंदिर थे जो कि समय के साथ नष्ट हो गए। और यहाँ की बुनियाद के पत्थरों से पता चला कि यहाँ पे कुछ शिलाएं तो 6वीं शताब्दी जितनी पुरानी है। बाकी इस मंदिर के अंदर माता पार्वती की चरण पादुका भी है, और यहाँ का इतिहास ये भी कहता है कि दुर्योधन ने लक्ष्य ग्रह, जिसे हाउस ऑफ वैक्स बोलते हैं, वो भी यहीं बनाया था, जिसमें वह चाहते थे कि पांडव जल के भस्म हो जाएं, बट पांडव भीम ने एक सुरंग खोदकर सभी पांडवों को और खुद को यहाँ से बचा लिया था। तो इस वीडियो में हम आगे जाके पांडव गुफा भी देखने वाले हैं, तो कहीं ना जाएं और वीडियो में बने रहें। पंडित जी, ये जो शिवलिंग है सामने, इसका नाम क्या है शिवलिंग का? ये तो उनके दुष्ट महाराज के द्वारा स्थापना है, धर्मराज। अच्छा, हाँ धर्मराज। इसके आगे फिर जल चढ़ाने का है, वो गेट धर्मराज। अच्छा, जा सकते हैं ना जल चढ़ाने? यहाँ पर जल आगे चढ़ेगा गेट। ठीक है ठीक।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना प्राचीन मंदिर है ये, अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मज़ा आ गया देख के। ये देखिए कितना पुराना है, मैं आपको अभी पास से दिखाता हूँ। ये देखिए पुरानी पुरानी पत्थर की शिलाएं हैं, ये देखिए सीरियसली हिडन जैम है, हिडन जैम है, किसी को नहीं पता इस मंदिर के बारे में, बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यमुनोत्री के रास्ते से 5 किलोमीटर पड़ता है ये गाँव, यहाँ पर आओ और भोलेनाथ के दर्शन करो। ये देखिए शिलाएं देखिए, आपको खुद देख के ही अंदाज़ा रहो कितनी कितनी प्राचीन शिलाएं हैं। मंदिर के चारों तरफ की दीवार देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि करीब करीब 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी पांडवों ने, एंड कभी भी यहाँ पे खुदाई करो तो बहुत लाइक संभावना होती है कि यहाँ पे कोई शिवलिंग निकल आए खुदाई के दौरान। सारे 1 लाख शिवलिंग तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ ये देखिए आप, जैसे ये पुराने पुराने पत्थर की ये सेक्शंस बने हैं, देखिए आप सामने छोटे छोटे शिवलिंग हैं। तो यही बोला जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग निकलते रहते हैं, बहुत ही मतलब भव्य भूमि है ये, और एक ये बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग है, एंड एक उधर भी शिवलिंग है जहाँ पे पानी चढ़ाओ तो उस पर रिफ्लेक्शन आती है अपनी खुद की, ये उसकी खास बात है। चलिए चलते हैं एंड पहले इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। हाँ देखिए आपको ऐसे जगह जगह पर ये प्राचीन शिलाएँ दिखेंगे, अवशेष दिखेंगे, कि जो कि आपको महाभारत के इतिहास के बारे में बताएंगे कि पांडव यहाँ पे आए थे, यही सबूत है यहाँ का। ये देखिए कैसे पुरानी पुरानी शिलाएं हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अद्भुत। ये देखिए क्या नाम है आपका? आर्यन। पूरा नाम क्या है? आर्यन गॉट। ये देखिए यहाँ के लोकल बच्चे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। लिटरली बताऊं तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई मंदिर पड़ता है यमुनोत्री के रास्ते में। वो तो मेरे जो पिताजी हैं उनको, वो यहाँ बड़कोट रह चुके हैं अपने बचपन में, तो उनको पता था कि लाखा मंडल एक जगह है जहाँ पे कि ऐसा ये प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का, जहाँ पे कि पांडव आए थे, उन्होंने स्थापना करी थी, युधिष्ठिर पांडव ने स्थापना करी थी उस शिवलिंग की। तो यहाँ पर आना हो गया, अब चलते हैं देखते हैं, करते हैं अर्पित भोलेनाथ को। जी ये ना इसमें अपना फेस दिखता है पूरा ना, याद देख सकते हैं शिवलिंग में, इसमें अपना फेस दिखता है शिवलिंग में, इसकी मेन विशेषता यही है। पानी डालने के बाद जी जी दिखा नहीं, एक बार दिखाना है, कैसे दिखता है? नहीं दिख तो रहा है, आप यहाँ से देखिए ना, ये देखिए अरे जलाभिषेक वगैरह होता है तो इसके साइड ना हल्की कम होती रहती है, घी तेल से ना कम कम होती रहती है दिन भर। ये शिवलिंग जो है ना 8 कोनों के बीच में विराट मान है इसके, ये 8 कोण है, अष्टकोण। मडरेश्वर महादेव मतलब मरे आदमी जो पहले होते थे ना, कुछ टाइम पहले कुछ मान्यता है उनको जो है जीवित होते थे कुछ पर ना उधर सामने, हाँ जी, इस पूरे गांव का नाम मडरेश्वर महादेव के नाम पे। अच्छा मडरेश्वर महादेव, तो ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे अगर मृत व्यक्ति आता उसको ये वो उधर के लिए ना, एक सामने दूसरी शिवलिंग ना, हाँ जी द्वारपाल के बीच में, तो उनमें जैसे कोई मरा कोई व्यक्ति कुछ मतलब कुछ भी उसकी वजह होती थी, हाँ जी, तो जैसे मरते थे पुजारी जो है मंत्र मुग्ध करते थे कुछ, हाँ जी, तो पुजारी जी पूछते थे कि क्या कुछ मरने का कारण या कुछ, हाँ जी, अंतिम इच्छा वगैरह कुछ, हाँ जी, तो वो उनसे ना राम नाम का नाम जपते हुए लास्ट में अपनी पूरी वो बता देते थे कि क्या कुछ वो होगी, फिर वापसी हो जाती थी। ये तो किसी के स्वप्न में आया ना कि ऐसे ऐसे खुदाई में निकालना है, फिर इसकी खुदाई हुई, ये लालच के धर्म में ना ऐसे। अच्छा। ऊपर स्कूल थी वो अंग्रेजों के टाइम में। अच्छा। तो फिर यहाँ पे जैसे हमारे पिताश्री वगैरह जाते थे तो ऊपर को, तो यहाँ पे उनको एक दिन कोई मकान बना रहा होगा, तो उनको सपने में आया कि ऐसे ऐसे नीचे धन के लालच में अरे मूर्ति ऐसी ऐसी यहीं पे ये निकली। हाँ जी। अच्छा, और ऐसा बोलते कि 1 लाख शिवलिंग की स्थापना करी थी यहाँ पे ना पांडवों ने, यहाँ पे पांडवों ने स्थापना की थी 1 लाख शिवलिंग की। यहाँ पे धर्मादि दुष्ट लिंग है जैसे कहते हैं पांडव, तो यही चल रही है उनके चारों भाइयों ने, हाँ जी, उन्होंने की थी यहाँ पे स्थापना। और एक रास्ते में आती है वो बाहर निकल, जहाँ से बाहर निकले थे वो कहते हैं ना कि कार्तिकेय जी की जन्मस्थली। अच्छा, और ऐसा भी मान्यता है कि वहाँ से जो पांडव जो ऐसे लाख चक्र से निकले थे तो वहाँ से बाहर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे इस लाखा मंडल टेम्पल के दर्शन हो गए हैं पूरे, अब हम जाएंगे पांडव गुफा देखने। चलिए चलते हैं, फिर से हमें इस गांव की गलियों से होते हुए जाना है, आइए देखते हैं कैसी है वो गुफा। ये देखिए, ये देखिए सही मायने में एक प्राचीन गढ़वाल का आर्किटेक्चर। ये देखिए कैसी छोटी सी एक बालकनी है, छोटा छोटा सा हाइट देखिए कितना छोटा है इसका, एक सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
तो दोस्तों प्राचीन पांडव गुफा के पास हम आ चुके हैं। ये सामने लाखा मंडल का रास्ता है, लाखा मंडल गाँव और टेम्पल का, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो यहाँ से हम आए थे और यहाँ हम गए थे, तो वापस आते हुए आप पांडव गुफा के ये दर्शन कर सकते हैं। बीच रास्ते में आपको मिलती है प्राचीन पांडव गुफा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसी है गुफा, बहुत मान्यता है इस गुफा की। तो पहले चप्पल हम यहीं उतार लेंगे। एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है ये गुफा। एंड मुझे वहाँ बता रहे थे ऊपर पुजारी जी कि इसको कार्तिक गुफा ही बोला जाता है। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं। एंड गुफा की शुरुआत में ही एक यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही बढ़िया सी एक मूर्ति है। एंड ये देखिए यहाँ पे, ये लगता है यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, तो उसी का यहाँ पे प्रिपरेशन किया गया है। एंड ये रही गुफा। एंड आई एम नॉट श्योर यार आपको कैसे अंदर फुटेज आएगी, क्योंकि बहुत अंधेरा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आपको दिखेगा। आप हमारे थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो इस प्राचीन गुफा को। ये देखिए अंदर जा रहे हैं वो अभी, एंड जाते जाएंगे, देखते हैं कितने अंदर तक जाती है। तो ये रही वो गुफा। यहाँ शिवलिंग है अंदर, वो देखिए शिवलिंग को ना छुएं। तो सामने शिवलिंग है, आई एम नॉट श्योर कि आपको अंधेरे में दिख पा रहे कि नहीं। वो धतूरा भी यहाँ पे भक्तों ने चढ़ाया हुआ है भोलेनाथ को। एंड ये देखिए अंदर तक जाती है गुफा। तो अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, आई डोंट थिंक जाना सही रहेगा, अभी रात का समय हो चुका है एंड आई एम ऑलरेडी लेट। इसके बाद हमें यमुनोत्री में जहाँ हमारा स्टे है वहाँ जाना है, एंड अगली वीडियो यमुनोत्री होने वाली जैसा मैंने आपको बताया। तो ये अंदर तक जा रहे हैं, वो देखिए गुफा अंदर तक है। तो ऐसा बोलते हैं कि पांडव इसी गुफा से होके गुजरे थे, एंड उस जहाँ से हमने एंटर हुआ वहाँ से वो पांडव बाहर आए थे। तो ये पूरा इतिहास है इस प्राचीन गुफा का। चलिए चलते हैं वापस, थोड़ा लेट हो गया अनफॉर्चुनेटली, वरना यहाँ पे एक पुजारी जी बैठे होते हैं, वो पुजारी से हम पूरा इतिहास आपको पूछ के बताता कि क्या इतिहास है इसे पांडव गुफा, असलियत में क्या बोला जाता, क्यों बोला जाता है कि पांडव यहाँ पे क्यों आए थे और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था। एंड ये देखिए दिस इज़ द गुफा। चलिए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। भोलेनाथ के भक्त तो कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाएं, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अब डायरेक्ट अगली वीडियो में, जो के होगी यमुनोत्री धाम की। टिल देन टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री राम।